एमपी साहब को तो कभी हम लोगों ने देखा नहीं इधर। हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, रोड नहीं है ढंग से। रोड में खुद हम रोड बनवाते हैं, मिट्टी डाल खुद कराते हैं अपने पैसों से, पैसे इकट्ठा करके हम खुद रोड बनाते हैं। मोदी लहर है, काम नहीं देखोगे? नहीं, काम भी देखेंगे, लेकिन देश को भी तो देखना है। तो मोदी जी आपके क्षेत्र को आके थोड़ी ना सुधारेंगे? क्षेत्र को नहीं, देश को तो सुधारेंगे। जब ये बारिश होती है तो यहाँ चल भी नहीं सकते, अभी तो गाड़ी में जा भी रही, गाड़ी भी नहीं जा पाती, फिर मैं घूम के आना पड़ता है पूरा। ये तो आज बारिश नहीं है तो बारिश के टाइम पानी की दिक्कत तो यहाँ पर है, पानी की सप्लाई है नहीं, टैंकर आता है और टैंकर भी टाइम बे टाइम आता है। परवेश वर्मा जी थे लेकिन इस एरिया में आए नहीं, लेकिन कमलजीत सहरावत हमारी नजदीकी क्षेत्रीय है। अच्छा। उनके घर तक हम लोग जा सकते हैं, पकड़ के ला सकते हैं। परवेश वर्मा काफी दूर रहते थे इसलिए संपर्क हम लोग नहीं कर सके। लेकिन हाँ। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की है, पर केजरीवाल ने तो कुछ करा ही नहीं। हाँ, बारिश के टाइम हमारा बहुत बुरा हाल हो जाता, हम बाहर भी नहीं आ पाते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारे आदमी ड्यूटी नहीं जा पाते, रिक्शा पलट जाता है। अभी हमारे मौजूदा एमएलए साहब जो है आम पार्टी के, कभी इधर दौड़ा ही नहीं देखा उन लोगों का। हम लोग इस वक्त मटियाला में मौजूद हैं और मटियाला जो है वो वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, जहां से प्रवेश वर्मा जी जो है वो सिटिंग एमपी हैं। जी हाँ, और अब की बार हालांकि प्रवेश वर्मा जी का जो टिकट है वो कट गया है, बीजेपी ने अब की बार उनकी जगह पर कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अब की बार महाबल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो बातचीत की जाए चुनाव पर, क्योंकि 25 मई को दिल्ली की जनता मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ेगी वोट डालने के लिए। तो हमने सोचा कि यहाँ से गुजर रहे हैं तो जरा विकास के बारे में पूछ लिया जाए कि 10 साल में क्या क्या काम हुआ है। अब हालांकि विकास का जो मैंने जिक्र किया है वो आपको दिख ही गया होगा, मटियाला से अगर हम इधर अंदर आएंगे, मटियाला की मेन रोड से अगर हम अंदर आएंगे नजफगढ़ से निकलते हुए, तो ये मेन रोड है पूरी, हनुमान गोल चक्कर कुछ आता है आगे जाके वहाँ पे पड़ती है और कहाँ पर पहुँच जाएगी, गोला डेयरी पहुँच जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। चलो आगे की तो मैं कुछ बात नहीं करूँगी, यहाँ पे कुछ लोग आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए बातचीत करते हैं। ये बताइए, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कितनी बार सांसद को देखा है यहाँ पे? सांसद को तो छठ पूजा पे ऐसे देखा है। क्या करने आए थे? पब्लिक के लिए आगे और क्या, वो अपनी छठ पूजा पे जैसे आ रहे हैं ऐसे ही आगे काम भी किया है ऐसे तो। लेकिन एमपी का तो काम कम है, एमएलए के या काउंसलर काम होते हैं। पता है ना कि एमपी जो है वो बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के। क्या लग रहा है फिर अब की बार जो दूसरे को टिकट दिया है कमलजीत सहरावत को? वो तो देखो उनकी वो है। अच्छा, मोदी की ऐसा की किसको निकालना है क्या करना है राजनीति का वो जान। अच्छा, आप बताइए। तो प्रवेश के साथ है, ये कमलजीत है तो कमलजीत के साथ। क्या लग रहा है आपकी बार फिर यहाँ से कौन जीतेगा? भैया हमारी तरफ से तो हमारी सोच यही है कमलजीत जीतेगी। दस साल में प्रवेश वर्मा ने कोई काम किया है? अच्छा, कुछ बीजेपी दोबारा टल है या कुछ दो चार काम किए? अच्छा, ये अरे आओ तो सही, आओ भाई साहब आओ। हाँ जी बोलिए, क्या करते हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ वेल्डिंग के शॉप चलाते हैं। तो क्या लग रहा है आपकी बार हवा का है? हवा ही हवा है, बीजेपी की हवा है। बीजेपी की हवा जी हाँ। काम तो कुछ हुआ नहीं 10 साल में? अब काम क्या कहा जाए, बारिश से सड़कें उखड़ गई है, ना इधर पानी है ना नाली है ना सड़क है, कुछ नहीं है इधर, फिर भी बीजेपी की हवा है। क्यों है? मोदी के लेकर, मोदी लहर, मोदी लहर है, काम नहीं देखोगे? नहीं, काम भी देखेंगे लेकिन देश को भी तो देखना है। तो मोदी जी आपके क्षेत्र को आके थोड़ी ना सुधारेंगे? क्षेत्र को नहीं, देश को तो सुधारेंगे। तो एमपी साहब का कैसा काम है? एमपी साहब को तो कभी हम लोगों ने देखा नहीं इधर। हाँ, इस एरिया में गोयला डेयरी कुतुब विहार फेस टू फेस वन में कभी उनका दौरा हुआ ही नहीं, मटियाला में इधर देखा ही नहीं। कितनी बार, मतलब 10 साल से उनका कार्यकाल 10 साल का है, कभी हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा जी? नहीं जी, ऐसा है पहले तो देश है फिर काम है, पहले तो देश है ना। जब जनता परेशान रहेगी ये बताओ देश कैसे चलेगा ना। काम तो जैसे चलो ये एमएलए के काम थे, रोड अंदर के बने, मेन रोड ही खराब है ज्यादातर। मेन रोड वैसे चाहिए था सबसे पहले, लेकिन मेन रोड ही नहीं बनाया है। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है आपके पास कमलजीत सहरावत को? देखो जी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, महाबल मिश्रा भी बहुत अच्छे नेता है,
बहुत ही अच्छे नेता है, काफी अरसे से अच्छा काम किए हुए हैं। ये बताइए अंकल जी, प्रधानमंत्री किसको देखते हैं आपकी बार, कौन बने प्रधानमंत्री, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ तो मोदी की बात चल रही है जी, क्या देखा मोदी ने क्या काम करा है ऐसा जो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? खैर करो या ना करो पर देश के सुधार कर देंगे। क्या क्या सुधार हुआ है बताओ? अरे आ जाओ भाई आ जाओ, बताओ आप जवाब दो, क्या काम ऐसा करा है, क्या सुधार कर दिया देश का? सुधार तो अभी नहीं कर पर कर रहे हैं, एक सुधार यो कर दियो का ये छीना झपटी चोरा चोरी ये खत्म कर दिया। हाँ। हमें तो ये लग रही है योगीन कर दिया आपके वहाँ है, योगीन कर दिया आपके एरिया में, तो बनेंगे अब की बार प्रधानमंत्री मोदी? हाँ मोदी बनेंगे जी, हम हमारे हिसाब से तो मोदी। आपको क्या लगता है जी? बीजेपी है, बीजेपी, बीजेपी है। एक्चुअली क्या है कि मैं यूपी से हूँ। हाँ। तो जैसा मैंने यूपी का माहौल देखा, यूपी में कहाँ से? मैं यूपी में सुल्तानपुर से हूँ। तो अभी तो वोटिंग बाकी है ना? हाँ। तो जैसा अभी मैंने पीछे का देखा, वहाँ की स्थिति देखी, पहले क्या था हम लोग मार्केट में कभी 2 बजे 3 बजे के उस तरह से निकल नहीं सकते थे, बट अभी का माहौल है आप रात में भी कभी कहीं भी बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ शिक्षा व्यवस्था एकदम टाइट है उधर का, पूरा अच्छे तरीके से। अभी हाल फिलहाल में आपने भी देखा था यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था, जो उस पर कार्रवाई हुई थी ठीक है चलो अच्छी बातें हुई, बट बाकी चीज़ भी मैंने वहाँ पे देखा कि रोडी भी आज के टाइम में सबसे बेस्ट है, प्रशासन एकदम टाइट है, सब कुछ अच्छा है। तो इस हिसाब से आई विल ऑलवेज सपोर्टेड ऑफ बीजेपी। बीजेपी यस। ये बताइए ये बिजली पानी सड़क की क्या समस्या आपको अभी आ रही है मटियाला में? बेटा मैं 3-4 दिन से आया हूँ, अभी इतना पता नहीं आगे रहने वाले। मैं पालम का कहना, पालम की समस्या बता दो। पालम पानी की समस्या है, पानी ये नाले नूले सब समस्या है। अच्छा हाँ जी। चलो उधर एक अंकल जी हमारे साथ है, अंकल जी क्या लग रहा है आपकी बार, हवा कहाँ है? विकास पे विकास कौन करवा रहा है फिर? नरेंद्र मोदी। ये क्या विकास चल रहा है फिर? आ? क्या विकास चल रहा है? ये सेंटर गवर्नमेंट के अंदर में थोड़ी है। तो सेंटर गवर्नमेंट में कौन है? बीजेपी तो है, बीजेपी था लेकिन ये सेंटर गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। अरे बड़े बड़े काम तो एमपी के अंदर होते हैं। देखो देश के हित में जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। किसने करा है देश हित के काम में? नरेंद्र मोदी ने। क्यों, कोई टक्कर में नहीं है क्या? राहुल गांधी नहीं है क्या टक्कर? राहुल गांधी तो 1% भी नहीं है। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है, क्या क्या आलू से सोना उगाता है? कौन उगा रहा है? राहुल गांधी। अच्छा हाँ, स्टोव में कोयला भर के स्टोव जलाता है सब, जबकि केरोसिन तेल डालते हैं। तो जिसको यही नहीं मालूम है कि स्टोव जलता किससे है, आलू में से सोना कहाँ से निकलता है, उसको यही नहीं मालूम है कि आलू पेड़ पे उगता है कि जमीन में उगता है, उसको वोट देने से क्या फायदा, वो देश को किस दिशा में ले जाएगा? हाँ सही कह रहे हैं, इधर रोक के बोलिए जरा, सब सुन लिया मैंने, इधर आइए रुक के बोलो। ये देखिए हम चल रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे और ये अंकल जी साइकिल पे जाते हुए कुछ बोल के गए हैं, क्या बोल रहे हैं आप बताइए? इसलिए कह रहा हूँ कि ये गली जो है ये बनी नहीं है। हाँ। और आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। हाँ। इसलिए नहीं आनी थी, गलियों में क्या कर रखा है, पहले रोड बनाई, फिर सिविल लाइन खोदी। हाँ। और फिर उसके बाद रोड बनी नहीं, तो बाद में होश आया क्या कि पहले रोड बना दो फिर पाइपलाइन डाल देंगे? हम तो पहले भी बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के। किसको? हाँ। पहले भी बीजेपी के थे, तो बीजेपी काम तो नहीं करवा रही है ना यहाँ का एमपी, क्या काम बीजेपी के लिए? जब बीजेपी की यहाँ वो है ही नहीं। हाँ। बीजेपी की यहाँ विधायक ही नहीं है ना कोई है। तो उसे क्या होगा, एमपी तो बीजेपी के है ना, लेकिन प्रवेश वर्मा जी, प्रवेश वर्मा जी वो क्या करें जब अगला वहाँ बजट ले लेता था। चलिए ठीक है। राहुल गांधी के बारे में आप कुछ बात बोल रहे थे, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है क्या राहुल गांधी? बिल्कुल। और तो मोदी की टक्कर में कोई है या नहीं है? नहीं, आसपास भी कोई नहीं है। अच्छा बीजेपी में से कोई नया चेहरा, मोदी नहीं तो कोई और बीजेपी का ही? नितिन गडकरी। अच्छा। हाँ। चाहते हैं बने? बिल्कुल, मोदी ना हो तो नितिन गडकरी ईमानदार नेता है। हाँ। वो बन सकता है जी। आप क्या सोचते हैं मतलब प्रधानमंत्री पद को लेके, ममता बनर्जी कमान संभाल पाएंगी क्या देश की? नहीं, या तो मोदी है या योगी है। हाँ। या गडकरी है, गडकरी। हाँ। ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत रोड निकाले हैं। हाँ। ठीक है, हिंदी बात करना नहीं आता। चलिए जरा ये एक महिला भी हमारे साथ है यहाँ पर, आंटी ये बताइए पहले तो सांसद को देखा है यहाँ पर? नहीं, मैंने तो अभी जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने तो नहीं देखा। कितने साल से रह रही हैं?
मेरे को 2 साल पूरा हो गया। अच्छा, हाँ जी। कभी नहीं देखा अभी चुनावी? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, ये पता है कौन सांसद यहाँ का? नहीं नहीं पता। प्रवेश वर्मा जी हैं? प्रवेश वर्मा, हाँ, पर हटा दिया ना उनको अब जी, आपकी बार टिकट काट लिया। हाँ जी, हाँ जी। कमलजीत सरावत को दिया टिकट। अब देखो, हम तो वेट ही कर रहे हैं कब बनेगा, आज तक नहीं बना ये रोड। कुछ विकास हुआ है 10 साल के कार्यकाल में उनके? कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पर। क्या बोल रही है? मैंने तो 2 साल देख लिया, 2 साल से तो यूं ही हाल पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे? कुछ भी नहीं देखा। हाँ जी, ऐसा कैसा ही। बल्कि मैं पहले संभाल कर रहती थी, सतप्रकाश राणा ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। हाँ जी, इनका तो मैंने नहीं देखा। मैं इतने साल में आती जाती हूँ, इतनी दिक्कतें होती हैं सब चीजें। पानी की दिक्कत तो यहाँ पर है, पानी की सप्लाई है नहीं, टैंकर आता है और टैंकर भी टाइम बे टाइम आता है। अच्छा, हाँ जी। क्या पानी का क्या सीन है यहाँ पे? पानी का मीठा पानी है नहीं, खारा पानी है। जो अपना समरसेबल का आता है वो खारा पानी है, वो पीने योग्य तो है नहीं। टैंकर का आता है, अभी व्यक्ति या तो टैंकर का पानी पिए या तो फिर खरीद के पानी पिए। हर व्यक्ति की तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती कि खरीद के पी सके पानी तो। लेकिन केजरीवाल के अंडर में है ना? जिसके भी अंडर में हो। हाँ। बट यहाँ तो प्रॉब्लम है ना। क्या? केजरीवाल तो खुद जेल में है। क्या लग रहा है, जेल से सरकार चलाएंगे? नहीं, मुझे तो लगता नहीं, लगता वो हट ही नहीं रहे। हटना चाहिए उनको, हटना चाहिए बिल्कुल। कौन आना चाहिए उनके बदले? योगी आना चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली में योगी आना चाहिए? क्या बात है, दिल्ली में योगी। तभी कुछ होगा यहाँ पर, तभी रोड वगैरह बनेंगे। यूपी तो बहुत आगे निकल गया इस टाइम पे, दिल्ली से आगे निकल गया। हाँ जी, राजधानी दिल्ली है, लेकिन कौन सा राज्य आगे निकल रहा है? अब मैं तो चाहता हूँ बीजेपी ही आए दिल्ली में वैसे, लेकिन बीजेपी का भी सांसद यहाँ पे और देखिए काम नहीं हो रहा है। वही चीज है ना, अब यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, 20 साल हो चुका है दिल्ली में। 20 साल? हाँ जी। क्या लग रहा है फिर 20 साल में क्या बदलाव हुआ है? मैंने ज्यादा चेंजेस तो नहीं देखा, बस अंदर दिल्ली के अंदर ही चेंजेस होते हैं जो होते हैं। ऑल आउट जो ये गांव सर्कल है ना, वहाँ पे मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं देखे हुए हैं। मटियाला में क्या बदलाव आया? बारिश आ जाती तो नालियाँ भर जाती, रोड भर जाती, थोड़ी सी बूंदे गिरी की नालियाँ भर गई, सड़क भर गया। ये बताइए, मोदी सरकार के काम से खुश है? उनके काम के बारे में जानती है? मोदी के काम से खुश है, योगी के काम से खुश है। केजरीवाल पे एमपी का और वो नया आया है यादव करके, क्या नाम है, महेश यादव, मनोज यादव क्या नाम है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। उससे पहले वो शिवराज चौहान थे, उन्होंने। ये बताइए केजरीवाल का काम कैसा है दिल्ली की? केजरीवाल का तो, बट मेरे को तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में जब आए थे, सच्चाई का उनका वो समझे सुना था, बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, सब बातें हैं, पर वो चीज नहीं निकल के आई। तो जितने वादे उन्होंने विश्वास लिया था उनके ऊपर, वो उन्होंने अपना विश्वास पूरा नहीं किया। नहीं, तो जितने वादे केजरीवाल करे थे वो तो नहीं किया। हाँ जी, नहीं। अच्छा आंटी, ये बताओ कैसा चल रहा है सब? बस क्या चल रहा है, ये रोड देखो ना, जब एक बारिश होती है तो चलने लायक नहीं रहते। चलो ठीक है, नाली नहीं है, रोड नहीं है। चलो ठीक। ये बताइए कमलजीत सहरावत अगर जीतते हैं तो क्या लगता है, ये जो स्थिति इतनी खराब है इसमें कुछ सुधार होगा? क्योंकि तो बीजेपी के तो अभी वो भी थे ना, प्रवेश वर्मा जी, तब तो हुआ नहीं। प्रवेश वर्मा जी थे लेकिन इस एरिया में आए नहीं, लेकिन कमलजीत सहरावत हमारी नजदीकी क्षेत्रीय है। अच्छा। उनके घर तक हम लोग जा सकते हैं, पकड़ के ला सकते हैं। प्रवेश वर्मा काफी दूर रहते थे, इसलिए संपर्क हम लोग नहीं कर सके, समझे ये बात। अभी हमारे मौजूदा MLA साहब जो है आम पार्टी के, कभी इधर दौड़ा ही नहीं देखा उन लोगों का। देखो ये सड़क पूरी एरिया में, 25 मई फिर विधानसभा भी है। नहीं बिल्कुल सही है, फिर दोबारा आना नहीं है। हाँ। क्योंकि ना तो पानी की सुविधा है, ना सड़क है, ना नाली है, कुछ नहीं है। 10 साल से झेल रहे हैं हम लोग। चलो देखिए, कुछ चर्चा वहाँ पर शुरू हो गई है, उधर देखिए, कैमरा पर्सन से बोलूँगी दिखाए। चलते हैं एक बार जरा भाग के और इनसे पूछते हैं क्या दिक्कत आ रही है। अरे रुकिए जरा, रुकिए रुकिए भाई, क्या चर्चा यहाँ पे शुरू हो गई है, क्या बात कर रहे थे आप यहाँ पे? हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए। हाँ। रोड नहीं है ढंग से, रोड में खुद हम रोड बनवाते हैं, मिट्टी डाल खुद कराते हैं अपने पैसों से, पैसे इकट्ठा करके हम खुद रोड बनाते हैं। रोड पानी से बहुत परेशान है मैं, रोड नहीं है, पानी नहीं है, टैंकर हम पूरा दिन लग जाता है, नाली नहीं है, नाली नहीं है, बहुत परेशान है हम यहाँ पे। क्या लगता है फिर कैसे इस समस्या का निवारण? अब हम क्या बोल सकते हैं, कौन सी सरकार करेगी? सरकार ध्यान दे रही है आपकी इस बात पर? कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई नहीं दे रहा। मोदी जी के काम से खुश हैं? लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की है, पर केजरीवाल ने तो कुछ करा ही नहीं। अच्छा। कुछ नहीं करा, वैसे ही जो रोड बनी थी वो भी खंडर हो गई,
न पानी है, हमें मकान भी हमारे कुछ जब ये बारिश होती तो यहाँ चल भी नहीं सकते, अभी तो गाड़ी में जा भी रही, गाड़ी भी नहीं जा पाती, फिर मैं घूम के आना पड़ता है पूरा। ये तो आज बारिश नहीं है तो बारिश के टाइम पर हमारा बहुत बुरा हाल हो जाता, हम बाहर भी नहीं आ पाते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारे आदमी ड्यूटी नहीं जा पाते, रिक्शा पलट जाता है, नालियां नहीं बनी हैं, घरों का पानी कहाँ जाए, लोगों के प्लॉटों में लोग पानी डालते हैं, अब जिस टाइम वो प्लॉट सबके बन जाएंगे फिर लोगों के घरों का पानी कहाँ जाएगा। प्लॉट के रेट बहुत ज्यादा है बट यहाँ पर फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ देखिए नाली, देखिए नाली है पर कोई यूज़ ही नहीं। देखिए हम लोग मटियाला में मौजूद थे जो कि वेस्ट दिल्ली में पड़ती है और यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया था शुरुआत में कि यहाँ से सिटिंग एमपी जो है वो प्रवेश वर्मा जी बनते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा की बात तो अलग ही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के काम से भी लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पानी की तमाम समस्या और रोड का हाल तो मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से रोड का हाल यहाँ पर है और यहाँ पे लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन सभी चीज़ों की वजह से। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।